दोस्तों, आप सब मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैंने बनाई है काले चना। इन्हें ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, खाने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो चलो इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस ऑन करके कढ़ाई रखेंगे और उसमें एक चम्मच ऑयल की डालेंगे। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं। ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है तो इसमें आधी चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा अच्छे से चटकने देते हैं। जो हमने दो हरी मिर्च काटी हैं उन्हें डाल देंगे। इसे भी अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं। साथ ही साथ ये थोड़ा अदरक हमने कद्दूकस करके रखा है उसे डाल देंगे। साथ ही साथ इसे भी अच्छी तरह से मिला देंगे। अब इसमें डालेंगे एक तिहाई हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और आधी चम्मच धनिया पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और साथ ही साथ इनमें कौमी डाल देंगे। ये भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। काले चना को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये हमने उबाल के नहीं रखे हैं, हम डायरेक्ट बना रहे हैं इसे भिगोकर ही। अब ये अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिए हैं और चना को मिक्स करके अब इसमें एक चम्मच नमक डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद की रिकॉर्डिंग डाल रहे हैं। पानी डालेंगे। पानी हम इतना डालेंगे कि एक कौमई के ऊपर आ जाए ताकि ये अच्छी तरह से हो जाए। इसमें मैंने प्याज और लहसुन का यूज नहीं किया है क्योंकि मैं नवदुर्गों के लिए बना रही हूँ, माता पूजन के लिए। और 25 मिनट के लिए इन्हें कवर करके छोड़ देंगे और अच्छी तरह से बीच बीच में देखते रहेंगे ताकि ये हमारी जल ना जाए। अब इन्हें 25 मिनट बाद इन्हें चेक कर लेंगे। ये थोड़ा सा इसमें पानी है और देखते हैं कि हमारे ये चने हुए हैं कि नहीं। देखो कितने अच्छी से हुए हैं ये। अब इसमें जो हमने टमाटर काट के रखा था उसे डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये सब्जी मैंने डाली है, आप चाहे तो सिंपल भी बना सकती हैं। और ये थोड़ी सी शिमला मिर्च मैंने काट के रखी है, ये भी डाल रही हूँ। आप डालें या नहीं डालें ये आपकी मर्जी है। मैंने इसमें प्याज लहसुन का यूज नहीं किया है क्योंकि अब इन्हें 5 मिनट के लिए कवर करके और छोड़ देते हैं ताकि ये अच्छे से पक जाए। अब 5 मिनट के बाद इन्हें एक बार और चेक करेंगे। देखो अच्छे से सब्जी हो गई है सारी। और ये देखो ये भी काले चना भी हो गई है। पानी इसका सारा सूख गया है। देखो ये हो गई है। आधी चम्मच इसमें गरम मसाला डालेंगे। ये भी अच्छी तरह से मिला देंगे। हमारी ये बनके तैयार हो गई सब्जी। गैस बंद कर देंगे और इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब मैंने एक प्लेट में इन्हें निकाल लिया है तो धनिया की पत्ती से इनकी गार्निश कर देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।